हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसके दो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, एक इंडिकेटर्स एंड देन एसिड्स। ये क्लास 10th साइंस का सेकेंड चैप्टर है। नॉट टूडे वी डिस्कस अबाउट द बेसिस। बेसिस आप लोग जानते हो एवरीडे लाइफ में, जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, उसके बाद वॉशिंग सोडा, ऑल आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, लाइम वाटर ऑल्सो, ये सब क्या है, सारे बेसिस हैं। अगर आप डिटर्जेंट को जेब पर रखो कैसा लगेगा, है ना, तो बिटर इन टेस्ट होता है। ऑल बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट, कड़वा, एंड सोपी इन टच, अगर उसको पानी डाल करके थोड़े से टच करो तो चिकनाहट भरी होगी। बट वी कैन से बेसिस आर दो सब्सटेंसेस, बेसिस आर दो केमिकल, बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच हैव ओ एच माइनस आइंस, है ना, ओ एच माइनस आइंस, यूनिवर्सल डेफिनेशन। हर एक बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन, ओ एच आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। जितने भी बेसिस होते हैं, या यूं कहें जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस हैं देन दे आर द बेस। तो यहां पर अब एक टर्म आता है अल्कली और अल्कलीज। अल्कलीज किसको कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कली। ठीक है, अगर वाटर में सॉल्व डिजॉल्व करा दे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्कलीज, राइट। इसमें जो भी हमें पढ़ना है सारे वाटर सॉल्युबल पढ़ना है, जैसे NaOH, KOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल बेसिस है, सो दे आर कॉल्ड अल्कलीज, राइट। जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, उसी तरह बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस। फर्स्ट हो गया आपको स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिस। Those bases which completely ionize in water and large amount of OH minus, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दे वाटर में डिजॉल्व करने के बाद,
उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रांग बेस। इसमें सिर्फ दो एग्जांपल हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमने एसिड में भी देखा था कि जो एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रांग एसिड। एंड दोज एसिड विच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो उसको वीक एसिड बोला गया, राइट। उसी तरह से यहाँ भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता हो, इसमें सिर्फ दो याद रखने हैं, याद हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बोथ आर द स्ट्रांग बेसिस। अगर सेकेंड बेस की बात करें हम लोग, ये हो गया वीक बेसिस। वीक यानी कमजोर, दोस जैसे इसी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, कंप्लीटली की जगह पार्शियली लगा दो एंड लार्ज की जगह स्मॉल लगा दो, बस हो गया। तो दोज बेसिस, दोज बेसिस विच पार्शियली आयोनाइज कहाँ, इन वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ओ एच माइनस इज प्रोड्यूस। ठीक है, इसलिए इसके अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नाम क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। कहने का मतलब यह है कि NaOH और KOH को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी हाइड्रोक्साइड है ऑल आर वीक बेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होगा, टेस्ट कैसा होता भाई, बिटरिन टेस्ट। तो लिखेंगे दे आर बेटर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका सोपे इन टच, जब इसको हम छूते हैं तो ये चिकनाहट भरी होती है, तो सोपे इन टच। थर्ड प्रॉपर्टी टर्न्स रेड लिटमस इनटू क्या बोलो, रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये तीन प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, यहां से रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्शन विद मेटल्स, बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू गिव
salt and hydrogen gas. For example, NaOH क्या है ये? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide जब zinc metal से reaction करेगा तो ये बनाएगा Na2ZnO2. इसका क्या नाम है भाई? सोडियम जिंकेट. मैं लिख देता हूँ सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, प्लस H2. अब बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लगा दिया, 2 सोडियम जिंक 1 है, जिंक 1, ठीक है, बैलेंस है, समझ में आया. वंस अगेन दे आर बेटर इन टेस्ट, पहले बताया है, सोपी इन टच एंड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. बस ये फॉर्मेलिटी के लिए है 3. लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है, रिएक्शन विद मेटल, जब बेसिस या अल्कलीज रिएक्ट करते हैं मेटल से तो क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस, राइट. तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक से रिएक्शन करवाया तो सोडियम जिंकेट बन गया. नेक्स्ट यानी 5th प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, रिएक्शन विद एसिड. ये रिएक्शन आपने पहले भी देखा हुआ है, एसिड का बेस से रिएक्शन हो या बेस का एसिड से हो. एसिड वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना. तो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. यहाँ पर हम लोग रिएक्शन के लिए बेस ले लो आप कोई, चलिए NaOH ले लेते हैं, प्लस H2SO4 लेते हैं. वहाँ पर मैंने HCl लिया था, यहाँ पर H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा भाई? Na2SO4, सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर H2O, ठीक है ना. तो आप बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंस कर लिया हमने तो 2 लगा दिया. अब बैलेंस है 2 सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ 2 2 4 4 हो गया, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. जैसे कि एसिड क्या होता है? बर्निंग इफेक्ट देता है, लेकिन अगर उसको बेस से मिला दिया तो इसका बर्निंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है ना, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ना तो इसका प्रॉपर्टी रहता है और ना ही इसका प्रॉपर्टी रहता है, यानी बेस का प्रॉपर्टी भी नहीं और एसिड का प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और एक लास्ट रिएक्शन है जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड, देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. बेस
हम लोग कोई भी ले लेते हैं, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, लाइम। लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड, याद होगा पिछले वीडियो में भी ये रिएक्शन आया था, लाइम में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो क्या होता है, लाइम का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका और प्लस H2O, है ना बच्चों। ये दो रिएक्शन जो है, दो प्रॉपर्टी, एक तो ये और ये वाली, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखो, है ना। तो आपका बेस से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, आप श्योर करके आओगे। अब हम लोग चलते हैं, फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, फिर हम लोग इसके यूजेस, बेस के यूजेस देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा, बीटर इन टेस्ट, टच इन शॉप इन टच, नेक्स्ट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो चौथा रिएक्शन था, चौथा प्रॉपर्टी है, वो था रिएक्शन विद मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है जिंक से, तो सोडियम जिंकेट जो कि एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड, ये पहले वीडियो में भी देखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आ जाइए यहाँ रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, जैसा कि मेटल में भी वही था, याद करोगे। एसिड में, एसिड जब मेटल से रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता था तो वहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता था, जस्ट लाइक यहाँ पर बेस भी नॉन मेटल, यानी यहाँ मेटल नहीं है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इनके यूजेस, यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के काम में, पेपर इंडस्ट्री में, और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे आर्टिफिशियल फाइबर आप कहते हो, नायलॉन, रेयन, है ना, पॉलिस्टर, ये सब के फाइबर को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है, यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, लाइम बोलते हैं, इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। आगे जब हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, तो उसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो लाइम से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आप लोग जानते ही हो, बहुत सारे जैसे फेशियल वगैरह के लिए, है ना, सैलून में, या फिर पेपर इंडस्ट्री में, तो बहुत जगह, कॉटन इंडस्ट्री में, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बहुत जगह होता है, ये हम लोग सॉल्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो एंटासिड जितने भी टैबलेट्स होते हैं, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे एसी लॉक है और बहुत सारे टैबलेट्स हैं, मुझे तो याद भी नहीं है ज़्यादा, तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो टैबलेट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इनो ऑल्सो, तो वहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोलो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ओहो, आप जानते ही हो बेकिंग पाउडर को,
है ना, केक बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, मम्मी पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं तो उसमें भी डाले जाते हैं। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम है बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड में मिलाते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। फिर से सुनिए, बेकिंग सोडा को, खाने वाला सोडा जो होता है, अगर उसको टार्टेरिक एसिड में मिलाया जाता है तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। उसके बाद इसका यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आग बुझाने वाला इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पर होते हैं, मॉल में, है ना, आजकल तो बसेस और कैब में भी मिलते हैं, तो छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो उसमें भी हमारा बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, फोर्थ वीडियो होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद हम लोग साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, है ना, बीच में यूनिवर्सल इंडिकेटर को पढ़ना ज़रूरी है, और एलोबरेटरी पर पढ़ेंगे हम लोग, एलोबरेट करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेटरी पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हम लोग साल्ट्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।